भक्तों को भोले भगत क्यों कहा गया? और जिसका रखवाला सतगुरु होता है, जिसका मालिक होता है, उसका कोई बाड़ भी बाका नहीं कर सकता। और कोई करना चाहेगा तो वो खुद उसमें धोखा खाएगा, उसको खुद कोई अपने आप पता लग जाएगा कि गलत किया तो सजा मिली, अगर ये सच्चा करता तो तुझे सजा कैसे मिलती। इसलिए जिस काम में लगते हो सच्चे बन के लगो, पूरे श्रद्धा भाव से लगो, प्रेम से लगो। जिसमें श्रद्धा नहीं है, प्रेम नहीं है, जिसके अंदर तुम्हारी भावना शुद्ध और पवित्र नहीं है, वो काम करने से कोई फायदा भी नहीं है। वो काम तुम नुकसान ही नुकसान देगा। और सच्चे मन के साथ अगर करोगे, तुम व्यवहार मिट्टी का करोगे तो भी हीरे बन जाएंगे उसके, क्योंकि तुमने सच्चे भाव से की है, सच्ची भावना से की है। हमने संत मत की शिक्षा ये है कि पहले आदमी अपनी परवाह करे, फिर जो जिम्मेवारी है तुम्हारी उसकी जिम्मेवारी को निभाओ। तुम किस जिम्मेवारी पे हो? परिवार वाले हो, अपने परिवार की सेवा करो, तन से करो, धन से करो, लेकिन मन जो है वो सिर्फ सतगुरु को दो और किसी को देने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मन सारे काम करवाता है। मन अगर सतगुरु को दे दिया तो तुम्हारे सारे काम जो किए हुए हैं वो भी अच्छे, क्यों तुम बुरा कर ही नहीं सकते। लेकिन मन को तुमने अपना रख लिया और चीज़ों को तुम किसी को देते रहे तो तुम्हारा मन तुम्हें बर्बाद करके रख देगा। इसलिए मन सिर्फ सदगुरु को दो, ताकि तुम्हारे मन की भावनाएं शुद्ध होती रहें, पवित्र होती रहें। कर्म तो जो इंसान करता है, लाखों काम करने वाले से गलतियां भी होंगी, सही नहीं, ज़रूरी नहीं है। परमात्मा ने कितने काम किए हैं, कोई कह दे कि ऊँट की इतनी लंबी नाड़ क्यों लगाई, जिराफ की इतनी टांगें बड़ी क्यों की, कह दे कि सुअर के लिए भिष्टा तैयार क्यों किया, कौवे को एक आँख क्यों दी, मेंढक को आवाज़ क्यों नहीं दी, टर टर करता है। ये परमात्मा की भी गलतियां कहाँ निकाल देंगे कि निकालने वाले, तो क्योंकि उनके दिमाग में यही बातें घुसी रहती हैं। अरे अच्छी बातें क्यों नहीं सोचते हैं? वो उस बात को कभी नहीं सोचता कि एक सुबह के टाइम एक तीतर बोलता है सुभान तेरी कुदरत, उसको नहीं कहता कि प्रभु ने उसको कितनी अच्छी जबान दी है। परमात्मा ने सबको बड़े बड़े अच्छे उपहारों से नवाजा है, लेकिन उनका उपयोग प्रयोग और सही तरीका से जो करना नहीं जानता है वो जीवन को बर्बाद करके ही जाता है। हाँ, अगर सच्चा सेवक बन के जो रहता है वो सब कुछ जीत लेता है।